हेलो, मैं कुणाल। आइए, आज हम आप लोगों के लिए फिर एक नया केक लेके आए हैं। ये भी जो है वो 2.5 kg का केक रहेगा, और ये जो फ्लेवर है वो बटर स्कॉच फ्लेवर में मैं केक बना रहा हूँ। डिजाइन क्या है नहीं है करके हम आगे आपको बता देंगे कौन सा डिजाइन का केक है। तो सबसे पहले हम इसका लेयर कंप्लीट करेंगे। तो लेयर जो है वो हम 1 kg का साइज़ से ही जो है उससे थोड़ा सा बड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा सा कटिंग करके हम पहले से स्पंज रखे हुए थे, सिर्फ इसका हम अभी लेयर आपको लगाते हुए दिखा रहे हैं। आपके पास जो भी कुछ ऑर्डर आता है तो आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप साइज़ को आप कटिंग कर सकते हैं, बड़ा या छोटा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा साइज़ में हम ऑर्डर लिया हूँ, कितना वेट का ऑर्डर लिया हूँ, कौन सी डिज़ाइन है। आप उस चीज़ को देखते हुए आपको स्पंज को उस तरीके से कटिंग करना है। तो हमारा ये जो केक था, हम इस यूनिक मैं इसमें जो डिज़ाइन है वो यूनिकॉर्न केक बनाऊंगा। तो मैं उसी हिसाब से डिज़ाइन को देखते हुए थोड़ा सा हमको केक का हाइट लगाना था, तो हम इस तरीके से पूरा बीच में कुछ स्पंज का लेयर वगैरह डाल करके हम इस तरीके से लेयर को हाइट में थोड़ा कंप्लीट किए हैं। उसके बाद जितना भी थोड़ा सा जो भी साइड से जो स्पंज है एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है उसको हम इस तरीके से पूरा चाकू से पूरा स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे, ताकि जो हमारा जो केक है वो पूरा स्ट्रेट रहे। आइसिंग करने के वक्त भी हमारा जो क्रीम है कहीं ज़्यादा या कम ना लगे। इस तरीके से अगर स्पंज बराबर है तो आइसिंग करने में भी अच्छा लगता है। तो हम देखिए कि मेरा जो स्पंज है पूरा हम लेयर को कंप्लीट करके इस तरीके से पूरा काट चुके हैं। अब इसको जो है हम थोड़ा सा पहले हम इसको क्रम कोट करते हैं। हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि क्रम कोट आप ज़रूर करें। क्रम कोट करने से आपको एक फ़ायदा है, क्योंकि जब आप आइसिंग करते हैं तो उस वक्त आपका स्पंज का जो चूरा है वो क्रीम में आपका नहीं आएगा और आइसिंग भी बिल्कुल बढ़िया होगा। तो हम सबसे पहले हर एक केक में हम क्रम कोट ज़रूर करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ कलर वगैरह भी क्रीम अगर यूज कर रहे हैं तो आपको स्पंज में नहीं आएगा। तो हम क्रम कोट कर लिए हैं। उसके बाद इसमें क्या है, थोड़ा सा लाइट पिंक और थोड़ा सा पर्पल कलर भी है इसमें। तो हम उस तरीके से जो है क्रीम को हम पूरा पहले से कलर बना लिए थे और पाइपिंग बैग में भर के इस तरीके से आपको आइसिंग करना है। पहले ऊपर में हम जैसे पिंक कलर का था थोड़ा सा लाइट पिंक कलर यूज़ किए हैं, नीचे थोड़ा सा पर्पल कलर था तो थोड़ा सा बिल्कुल लाइट कलर का पर्पल बना के, उसके बाद फिर बीच में पिंक, उसके बाद फिर इस तरीके से पर्पल कलर का क्रीम हम लगा के इसको हम आइसिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पट्टी की सहायता से आपको ऊपर का ये जो क्रीम जो हम अप्लाई किए थे उसको पहले इस तरीके से प्लेन कर लेना है। उसके बाद कंघी रहता है, कंघी से आपको पूरा इस तरीके से नीचे से कंघी आपको लगाना है और ये ऊपर तक इसी तरह से आके आपको क्रीम निकाल लेना है। उसके बाद स्क्रैपर या तो आइसिंग पट्टी के साथ में आप साइड से, जैसे प्लेन था हमको इस तरीके से क्या है लाइनिंग जो कंघी में आता है वो लाइनिंग बिल्कुल नहीं रखना है, इस तरीके से पूरा स्मूथ फिनिशिंग करना है। तो हम पहले आइसिंग को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये देखिए कि हमारा जो साइड से है वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये ऊपर में हम ऊपर का जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हम आइसिंग पट्टी के मदद से इस तरीके से पूरा हम उसको भी निकाल के ये हम जो आइसिंग है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद इसमें कुछ फोंडेन का काम है जो हम करेंगे। इसमें फोंडेन का काम है क्योंकि यूनिकॉर्न केक बनाना था, तो थोड़ा सा घोड़ा का भी जो फेस रहता है वो कटिंग करके इसमें लगाना है, और भी स्टार वगैरह है वो सब चीज़ हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हम आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा फोंडेन का काम किया, वो भी हम इसमें डिटेल इसमें अपलोड किया हूँ वीडियो। तो देखिए कि हमारा जो बेस भी था तो बेस भी हम कंप्लीट हो चुका है। और हमारे चैनल में आप जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा वीडियो को आप शेयर किया कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। तो देखिए कि मेरा जो आइसिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा ये फोंडेन का काम है वो हम भी फोंडेन का काम फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए वाइट फोंडेन है उसको इस तरीके से क्या है हम प्लास्टिक शीट जो रहता है ट्रांसपेरेंट शीट जिसमें आप चॉकलेट का गार्निश वगैरह बनाते हैं, तो उसमें से हम ऑलरेडी पहले से ही इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर कंटिन्यू आते रहते हैं, तो इस तरह से हम साँचा बना के रखे हुए थे घोड़ा का। घोड़ा का सिर्फ फेस है, बाकी इसमें जो बाल वगैरह भी जो भी इसका गर्दन में जो बाल वगैरह रहता है वो भी इसमें हम लगाएंगे, तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम घोड़ा का जो फेस है
वो कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसका सिंग भी यूनिकॉर्न का जो सिंग गोल्डन कलर का रहता है वो सब भी इसमें हम बना के आपको दिखाए हैं। तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। नहीं तो क्या है, बहुत लोग क्या है बीच में वीडियो स्किप करके आगे चले जाते हैं, उसके बाद फिर कमेंट में पूछते हैं सर ये कौन सा कैसा बनाए नहीं बनाए। तो आप कंटिन्यू हमारा वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, तब आपको टोटल डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ को हम किस तरीके से बनाए हैं। क्योंकि फाउंडेन का हर एक चीज़ का कटर हमारे पास तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बहुत ऐसा काम जो है वो आपको स्केच करके ही आपको कटिंग वगैरह करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके पास अगर सब चीज़ का कटर है तो आप अपने कटर के हिसाब से आप कटिंग कीजिए तो और भी फिनिशिंग आता है। लेकिन हम लोग के पास उतना ज़्यादा तो कटर नहीं होता है, कुछ फ्लावर्स वगैरह का ही कटर होता है, बाकी जितना एनिमल्स वगैरह कुछ भी और बनाते हैं उसको खुद हाथ से ही हम लोग बनाता हूँ। तो देखिए ये मेरा जो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है वो काम जो थोड़ा सा बारीकी का काम है वो थोड़ा सा आँख बनाना है। तो इसका हम आँख भी फटाफट इस तरीके से पूरा ये बना लेते हैं। पहले थोड़ा सा नीचे वाइट फाउंडेन है, उसके ऊपर ये थोड़ा सा ब्लू कलर का फाउंडेन लगा के, क्योंकि आँख थोड़ा बनाना है, उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक जाएगा। तो देखिए हम इसका आँख वगैरह भी लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्टार वगैरह का भी डेकोरेशन है, तो स्टार भी उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा जो आँख है वो लगभग अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए कि मेरा जो घोड़ा है वो कितना प्यारा अभी से ही दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ इसके नाक के पास थोड़ा सा एक हल्का सा प्रेस करना है ताकि इसका जो नाक वगैरह भी जो है वो बराबर दिखे। तो देखिए ये वो हो गया है। उसके बाद ये जो है मेरा यूनिकॉर्न का जो सिंग रहता है जो गोल्डन कलर को, आपको इस तरह से पहले फाउंडेन को ऐसा पतला एक साइड से पतला और धीरे धीरे पीछे इसका साइड में थोड़ा सा मोटा इस तरह से रोल कर लेना है। और उसमें उसके बाद टूथपिक में आपको इस तरीके से रोटेशन करके और इसको इस गोल्डन पाउडर जो आता है उसमें आपको इस तरीके से गोल्डन को पाउडर में गोल्डन कर देना है। देखिए मेरा जो यूनिकॉर्न का जो ये रहता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसमें थोड़ा सा ये कान के ऊपर थोड़ा सा ये पिंक कलर का लगा हुआ था तो हम इसमें भी थोड़ा सा चिपका देते हैं। ये देखिए मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसमें थोड़ा क्या है पूरा छोटा छोटा साइज़ का स्टार कटिंग है, तो हम कटर के मदद से इस तरीके से हम पूरा स्टार को भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद कैसा डिजाइन करेंगे केक में वो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ में ही मेरा फेसबुक पेज में भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप जो भी कमेंट करें अगर आपको यूट्यूब में उसका जवाब अगर नहीं मिल रहा है तो आपको पेज और इंस्टाग्राम में आपको कंपलसरी हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो हमको हर जगह पे आप फॉलो करके रखें, क्योंकि हमारा कौन सा वीडियो किस जगह पर अपलोड होगा वो आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो देखिए इस फाउंडेन का काम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से थोड़ा सा वाइट बॉल भी इसमें लगा था तो वही फाउंडेन में ही हम बॉल लगा देते हैं। नहीं आजकल बहुत मार्केट में ऐसा आर्टिफिशियल बॉल्स आता है वो हर कलर में अवेलेबल रहता है, तो अगर आपके पास वैसा कुछ बॉल है तो आप वही बॉल को लगाइए। उससे क्या होता है आपका केक पर वेट ज़्यादा नहीं आता है। और नहीं तो अगर क्योंकि सेम कलर में बॉल अगर नहीं है तो आप फाउंडेन में बना सकते हैं। देखिए मेरा फाउंडेन का काम जो है ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम इस तरीके से घोड़ा का जो मुंह था उसको हम ऐसा केक पे इस तरीके से साइड में हम लगा देते हैं। बाकी इसमें जो गर्दन का जो साइड से जो पूरा बाल वगैरह जो है वो हम लगाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा टेबल पे जो है इस तरीके से फाउंडेन को छोटा छोटा सा ऐसा पतला करके लंबा लंबा हम इसको रख लिए हैं और उसको एक एक करके इस तरीके से हमको पूरा जॉइंट करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारा कलर भी रहता है और हर एक चीज़ को सेट करना पड़ता है। तो क्या है फाउंडेन जल्दी चिपकता नहीं, तो उसको न्यूट्रल जेल पहले नीचे जहाँ जहाँ पर आप लगाओगे न्यूट्रल जेल को आपको लगा लेना है। उसके बाद इस तरीके से आपको सेटिंग करना है ताकि जो आप सेट करेंगे तो क्या है वो स्लिप होके आपके पास नीचे
ना गिर जाएगा, और क्योंकि क्रीम का है तो थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो वहाँ का क्रीम का फिनिशिंग आपका ख़राब हो जाएगा, तो वही चीज़ केक को केक में देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो क्या है, आपको न्यूट्रल जेल से इस तरीके से पूरा लगा लेना है, ताकि आप जो फोंडेंट उसमें लगा रहे हो वहीं पे थोड़ा सा चिपक के वहीं पे रहे, ताकि नीचे ना आए। तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितना फिनिशिंग में आप केक बनाइएगा उतना ही आपको अच्छा, उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके उतना कीजिए, हम तो पूरा कोशिश करते हैं और हम अच्छा से अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे भी होगा। तो देखिए ये लगभग जो है मेरा, इसको भी कम, इसमें भी मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए ये मैं ऊपर तक कर दिया हूँ, उसके बाद जो है ये यूनिकॉर्न का जो सिंग रहता है वो लगा दिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा भी बाल जो है यहाँ पे भी हमको लगाना पड़ेगा, ताकि उसको देखने में ऐसा लगे कि सेप साथ में ही है, क्योंकि अभी हम उसको अलग से लगा दिए तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। और वो बाल वगैरह लगा के हम पूरा उस चीज़ का डिज़ाइन को मेकअप कर लेंगे। और कहीं भी आप लोग को भी थोड़ा सा अगर कुछ भी केक से रिलेटिव में कहीं भी कुछ चीज़ में अगर आप लोग को डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, हमको इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। अगर हमको उस चीज़ का जानकारी है तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, लेकिन आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो आप कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमको फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए जो हम स्टार जो कटिंग किए थे उस स्टार को भी लगा दे रहे हैं। अगर कुछ डिजाइन अगर क्रीम पे अगर आप लगा रहे हो फोंडेंट का, कुछ अगर साइज में थोड़ा सा बड़ा है तो स्टार लगा रहे हो, हार्ट शेप लगा रहे हो, तो आप कोशिश कीजिएगा उसका पीछे का साइड में थोड़ा सा चॉकलेट को लगा दीजिएगा, तो उससे क्या है आपका जो चौक फाउंडेन है वो मेल्ट होके ऐसा स्लिप नीचे नहीं करेगा, क्योंकि अगर स्लिप करने लगेगा तो आपका पूरा डिजाइन जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हम जितना भी ये स्टार वगैरह जो भी लगाए थे, जैसे ये घोड़ा का मुंह ही लगाएं, तो उसमें हम पीछे तरफ से हम उसमें हम चॉकलेट लगा दिए थे, तो उससे क्या है मेरा जहाँ पे हम चॉकलेट क्या है कभी किसी चीज़ को स्लिप होने नहीं देता है क्रीम में। अगर फोंडेन में है तो उसमें आप चॉकलेट नहीं भी लगा रहे तो चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल जेल आप लगा के उसको अगर बना रहे हो तो वहीं पे चिपक जाता है, लेकिन क्रीम में ऐसा प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा फ्रिज में अभी जैसे केक बना दिए अगर एक दो घंटा अगर फ्रिज में रखा है तो थोड़ा सा मेल्ट होके नीचे की ओर आने लगता है, तो उससे क्या है डिजाइन पूरा अच्छा नहीं लगता है, पूरा ख़राब हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कुछ भी अगर फोंडेंट का काम अगर क्रीम पे कर रहे हो तो उसका पीछे का साइड में आप चॉकलेट ज़रूर लगा दें। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो राउंड शेप में जो हम कटिंग किए थे वाइट और पिंक कलर का, और उसमें ग्रे कलर का भी एक दो पीस था, तो उसके पीछे हम इस तरीके से टूथपिक चिपका दिए हैं चॉकलेट की मदद से, और इस तरीके से डिजाइन में जैसा स्टिक किया हुआ था उस तरीके से हम स्टिक कर दिए हैं। तो देखिए मेरा जो डिजाइन है केक का यूनिकॉर्न केक जो है वो बहुत ही प्यारा दिखने लगा है। और जो हम बॉल्स बना के रखे थे, जैसे जो वाइट वाला बॉल्स और पिंक कलर का जो बॉल्स हम लगाए थे, उसको भी एक केक के ऊपर जहाँ जो डिजाइन में रखा हुआ है वहाँ पे हम इस तरीके से पूरा इसमें हम सेट कर देंगे। तो देखिए ये जो है बॉल्स भी हम सेट कर दिए हैं, उसके बाद जो है हम इसमें नाम भी लिख के रखे थे वो नाम का इस तरीके से स्टिक कर दिए हैं। तो देखिए ये मेरा जो डिजाइन है वो पूरा बन के कम्प्लीट है। आप अपना कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डिज़ाइन आपको कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।